आप ये सिग्नेचर्स तो पहचानते ही होंगे। ये सिग्नेचर आपके बॉस मिस्टर यश मल्होत्रा के, और ये कागज में लिखा गया है कि आज से इस फैक्ट्री की इंचार्ज मैं हूँ। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको मेरी बात ही माननी होगी। Oh my God! ऐसा रिपे किया उसने इतने सालों की डेडिकेशन तो मेरी। पांडे जी, घोर अपराध किया है यश बाबू ने। भैया गुजर गए तो क्या हुआ, उनके उसूल भी चले गए। अरे वर्षों से हम इस कार्यालय को चलाते आ रहे हैं, और आज यकायक एक कन्या का हम ब्रह्मचारियों के ऊपर हुक्म चला देना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या बजरंगबली। राइट बाबू, यहाँ सारा अच्छे नहीं लगते, अपने ऑफिस में कोई भयंकर मुसीबत आने वाली। हाँ चलो साथियों, इस गंभीर समस्या पर हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। यहाँ इंचार्ज कौन है? जी कहिए। कहना क्या है मैडम, दो हफ्ते पहले मैंने 10 गुलाबी और 16 हरे पेन के डिब्बे ऑर्डर किए थे, अभी तक मुझे नहीं मिले। I'm sorry, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। पांडे जी, ये ऑर्डर तो मैंने आपको कहा था डिलीवर करने के लिए। हमसे चार हाथ दूर होकर ही बात कीजिए, और हो सके तो मत कीजिए। काम की बात करें। महोदया हमने तो चालान बना दिया था, बाकी का कार्य श्रीमान रोमियो को संभालना था। पांडे जी कुछ भी, ये मुझ पे क्यों डाल रहे हो, ये मेरा काम नहीं था। इधर आओ, तेरी तो ये क्या काम था, चश्मे का बोल। अब सो मेरी कैबिन में जाकर बैठिए, मैं अभी आपकी डिलीवरी का इंतजाम करवाती हूँ। प्लीज। ओके। अब मुझे कौन सीधे सीधे बताएगा डिलीवरी का स्टेटस क्या है? आज का पहला फोन। हेलो या ओके ओके सर। पांडे जी, रोमियो अपने बॉस आ रहे हैं, यश आ रहा है, और उसने स्ट्रिक्टली कहा है यश ने कि उनके साथ एक इन्वेस्टर आ रहा है, और उन्हें फ्लावर्स बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं। गीत, अब एक काम करो, ये सारे फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक दो इसी वक्त। और आपको रंग कब से पसंद आने लगे हैं? आपको तो व्हाइट कलर हमेशा से फेवरेट था ना? हाँ, पर अब मुझे रंग अच्छे लगने लगे हैं। कब तक हर बात उनसे छोड़ती रहेगी? उनके अलावा भी इस दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं, है ना? गीत, तू बस अपना काम कर। इमान, मेरे ऑफिस में सबको इन्फॉर्म कर दिया है, सारी तैयारी हो चुकी है, और ये गीत का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे तुम चाहते थे। वेरी गुड। चलो अब फाइनली तुमने इस कंपनी को खरीद लिया है, तो एक फॉर्मल विजिट तो बनता ही है, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का फ्री टूर दे देता हूँ, आओ। मैं अपनी नई कंपनी देखने जरूर जाऊंगा, लेकिन अकेला, इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। Goodbye. लेकिन कुछ दिन तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा, जब तक तुम्हारा और स्टाफ का इंट्रोडक्शन ना हो जाए। क्यों? अब गीत, अब इस कंपनी की इंचार्ज है, तो ये काम वो भी कर सकते। Hey dude, तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे मैं इस कंपनी से पूरी तरह से बाहर हो गया। माना कि तुमने इस कंपनी को खरीदा है, लेकिन अभी भी ये हैंडओवर पीरियड में है, यानी कि इस हैंड से उस हैंड तक आने तक मेरे पास फिर भी थोड़े से राइट्स है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और अगर तुमने मेरे काम या तौर तरीके में दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो तुम्हें मुझसे नहीं मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। इमान, तुम तो पूरा मान गए, और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये डील कैंसिल करता हूं। I'm sorry, sir. आपके ऑर्डर के बारे में पता करने में मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपका सारा सामान डिलीवर करवा दूंगी। मुझे पहले ही शक था कि मैंने गलत कंपनी से माल खरीद लिया है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर शाम को मेरा माल नहीं पहुंचा तो मैं इस कंपनी पर केस ठोक दूंगा। हे पापा जी, ये कहाँ फंसा दिया मुझे, यहाँ पे तो कुछ भी कायदे से नहीं होता, कोई काम ही नहीं करना चाहता। फाइल की लिस्ट कहाँ है किसी को नहीं पता, डिलीवर लिस्ट कहाँ है किसी को नहीं पता, क्लाइंट्स की लिस्ट कहाँ है किसी को भी नहीं पता। आप यूं ही मुस्कुराते रहेंगे या मेरी कोई हेल्प भी करेंगे? अब प्लीज मुझे बताइए ऑर्डर और डिलीवरी लिस्ट कहाँ है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। Oops, I got it. You know, तुम लिस्ट ही ढूंढ रही हो ना, जिसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? Anyways, मैं तुम्हें लिस्ट दिखाता हूँ कहाँ पर है, okay? तो
तुम मुझे बताओगे लिस्ट का? यप स्वीटी, अगर तुम चाहो तो। ओके ठीक है, बताओ। कम ऑन, फॉलो मी। फॉलो मी? एक्सक्यूज मी, फॉलो मी। ओके चलो। मिस्टर खुराना, मैं अचानक से अपने वर्कर्स को छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरा फैमिली बिजनेस है। माना कि मैं इसे बेचकर वापस अपनी लाइफ में जाना चाहता हूं, लेकिन भाई के डेथ के बाद ये भी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। बच्चे तो मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन वर्कर्स। अच्छा यश, मुझे इमोशनल कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं। डील करनी है या नहीं? ये तो दादागिरी, तुम जैसा समझो। शर्त मंजूर है या नहीं? या बैंक से कहकर चेक रुकवा दो। यश, क्यों जिद्दी आदमी के साथ उलझ रहा है? लेट इट गो। मैं तो वैसे भी 2 हफ्ते में US जाने वाला था। अब 2 हफ्ते पहले ही चला जाऊंगा, और फिर इतनी अच्छी डील पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा कि इसके बिहेवियर को अचानक से हो क्या गया। यश ठीक है, ऑल द बेस्ट। कमॉन बेबी, तुम्हें वो सारी लिस्टें यहां से मिल जाएंगी। ये है हमारा स्टोर रूम। सो क्यूट ना। पर लिस्ट स्टोर रूम में? बिल्कुल, इट्स सो सिंपल यार। यू नो, तुम सारे वो बॉक्सेस देख रही हो, उन सब पे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा है। सो क्यूट ना। और तुम्हें क्या करना है, वो सारे नंबर को नोट डाउन करना है, और उसके बाद उस सामने बोर्ड पर उस लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट से उस नंबर्स को टैली करना है। इट्स सो सिंपल बेब्स। मुझे हर एक नंबर चेक करना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है स्वीटी। गॉट इट? किसी पागलों के बीच फंस गई हूँ मैं। पापा जी, दरवाजा खोलो। बहुत ही अद्भुत प्रशंसनीय काम किया मनीष जी आपने। अरे हमारे पास तो शब्द ही नहीं अपनी भावना व्यक्त करने के। हमारा मनीष भी एकदम तालाक लोमड़ी है। रोमियो चले। ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। किवाड़ तो महोदया, कार्यालय बंद होने के समय खुलेगा। घड़ियाल में 5 बजते ही। देखो शराफत से दरवाजा खोलो, वरना मैं कह रही हूँ ठीक नहीं होगा। Come on guys, you know, हम लोग के नए बॉस आने वाले हैं, जिन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। इससे पहले क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत लंच कर लें? दरवाजा खोलो। चल रोमियो, दरवाजा खोलो। मैं मेरी बात नहीं सुन रहा। दरवाजा खुला रहने दो। सर डरिए मत, मैं सच में नहीं डरूंगी, देख लेना। अरे मतलब छोड़ो, ये तुमने क्या किया? मैं तो बस आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे आप पर भरोसा है। और तुमने मुझे यही यकीन दिलवा दिया कि मेरे ऑफिस में सबसे कम दिमाग तुम यूज कर दिया। मैंने ये दरवाजा जानबूझकर बंद नहीं किया था, क्योंकि इसका लॉक, ये लॉक अटक जाता है और ये सिर्फ बाहर से खुलता है। सर क्या आप दरवाजा तोड़ सकते हैं? मैं दरवाजा तोड़ दूं? मैं भी ना आपको अपने ख्यालों से निकाल ही नहीं पा रही। सोते जागते उठते बैठते बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। पर गीत एक चीज याद रखना, इस मुसीबत में वो तुझे बचाने नहीं आने वाले। तुम लोग यहीं रुको। तू ही वड्डी वड्डी बातें कर आ गई थी ना, मुझे उनके साथ की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली लड़ सकती हूँ। अब लड़ू तो कैसे लड़ू? कोई तो मुश्किल मुंडा बाहर होगा, खोलो। उस डंडा क्या करो? ये डंडा अब मुझे खुद ही यहां से बाहर निकलने का इंतजाम करना होगा।
ये तो काफी ऊंचा है और कहीं मैं गिर गई तो संभल के उतना होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरे साथ के बिना तुम शहर में रहती कैसे हो। तेल पर लगाए गए चार्जेस मैं वापस नहीं लूंगी, चाहे इस लड़ाई में कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं देव को माफ नहीं करूंगी और इसमें मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो? तुम कर क्या रहे थे? कोई काम ठीक से कर सकती हो तुम? कमरे से बाहर खिड़की से नहीं दरवाजे से निकला जाता है और तुम्हारी हालत में सर, मान सर बोलो, मैं तुम्हारा बॉस हूं इसलिए अपनी पकपक अपने पास रखो। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि बोलने के चलते मैं वो सोचना भूल जाते हैं, इसीलिए अब तुम तभी बोलोगे जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा, समझे तुम? सर, मान सर बोलो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। यश का अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने तमीज से पेश आओ, बॉस के कैबिन में आंधी तूफान की तरह नहीं आते। अब एक काम करो, बाहर जाओ
और दरवाजा नॉक करके आओ और अंदर आने की इजाजत मांगो, और अगर मैं हाँ कहूं फिर अंदर आना। तमाम आउट। मगर आप मेरे बॉस नहीं, और ये कंपनी यश की थी। ये कंपनी यश की थी, अब ये कंपनी मैं खरीद चुका हूं। अगर पढ़ सकती हो तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे जिसे तुम्हें मदद की जरूरत थी वो जा चुका है। ये नहीं हो सकता। कंपनी खरीदी तो क्या हुआ, मुझे तो नहीं खरीदा। गीत ऑफिस गई। गुड, पर मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आया? चाचू दीदी पे लाइन मारना बंद करो वरना बहुत मार खाओगे। मेरे बाप, यहाँ ऐसा वैसा कुछ मत करना। वहाँ अमेरिका में बहुत सारे अंग्रेज तेरा इंतजार करे, वहाँ जो करने का ना यहाँ पे कुछ मत करना। कंटिन्यू करो। तुम अमेरिका जा रहे हो? एक्चुअली मैं शिकागो शिफ्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्या है कि दो अकेले साथ मिल जाएंगे तो दिल से दिल मिल जाएंगे। वहाँ पे फिर तुम वहाँ पे केक्स बनाना, चॉकलेट्स बनाना, और मैं वहाँ पे खाते रहूंगा। आई मीन टोटलिटी मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो जाएगी। बाय द वे, ये मेरा नंबर है, इन केस अगर तुम अमेरिका आ रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसे कॉल करना है। देखो यश, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं सच में यही बताने आया हूँ कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या है कि गीत मेरे साथ अब काम नहीं कर रहे, गीत मान के साथ काम कर रही, और मान ने मेरी कंपनी खरीद ली। What? मान ने तुम्हारी कंपनी खरीदी है? मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, जैसे तुम्हारी और मेरी, स्वीट एंड सिंपल, लेकिन उनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मान कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, और जबकि तुम मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो और गीत तुम्हारी दोस्त है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बता दूं। क्या है कि इनके इस अगर तुम उन पे नजर रखना चाहो तो। मगर तुमने ये बात गीत को बताई है कि नहीं? नहीं बता सकता, मान के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया। मगर यश, तुम अचानक ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरी लव स्टोरी तो बनी नहीं, और उनकी लव स्टोरी में मैं आना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला आया। यश तुम, हाँ पता है, इट्स टाइम टू गो बेबी। बाय द वे यश मल्होत्रा, नाम भूलोगे तो नहीं। चल छोटे। ये गीत के साथ हो क्या रहा है, क्यों उसकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म ही नहीं होती? रखिए आपकी कंपनी आपके पास, मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूं। मैं तुम क्या आगे मत पढ़िए, मैं चिल्ला सकती हूँ। लेकिन चिल्लाने से पहले अपना ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो। ये तुम्हारे सिग्नेचर है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम 2 साल से पहले ये कंपनी नहीं छोड़ सकती हो, और अगर फिर भी तुम्हें ये कंपनी छोड़ने का मन करे तो तुम्हें 2 साल की तनख्वाह इस कंपनी को वापस देनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यश से पूछना है तो भी नहीं पूछ सकती हो, क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले यश की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है US के लिए। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। तुम बाहर जाओगी और दरवाजा नॉक करोगी, फिर मैं सोचूंगा कि तुम अंदर आ सकती हो या नहीं। मैं, ये तो बस शुरुआत है गीत, ये तुम्हारा पहला लेसन था कि बॉस के सामने कैसे तमीज से पेश आया जाता है।